तो नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम मयूर वैद्य है। रनिंग के लिए मैं प्रॉपर पालघर से हूँ और इस बिजनेस को मैं फिलहाल ये मेरा 6 मंथ रनिंग है एज अ फुल टाइम और एज अ करियर के हिसाब से बिजनेस में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं ये बिजनेस के अंदर आया और उन्होंने आज गोल डायरेक्टर बना, तो वहां पे एक उनका बहुत सपोर्ट था सर का, इसके लिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर और मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण सर के लिए बस जोरदार जिनके पूरे बोलते हैं जिनके एफर्ट्स की वजह से आज मैं गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुका हूँ टू फोटो क्लब के साथ। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि ये बिजनेस के अंदर हमें हमारे रिश्तेदारों को दोस्तों को हमें ये प्लान रिफर करना होता है। मैंने जब ये बिजनेस में शुरुआत किया तो मैंने सिर्फ तीन अनजान लोगों से ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। पहले थे अजिंक्य दत्ता जो आज मेरे साथ में सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके, सेकंड थे सतीश पाटिल जो आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके, तीसरे थे शीतल चिराई भरत मैम जो आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे तीन अनजान लोग थे और जिन्होंने मुझे बोलते हैं एक ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर और आज तीनों ने भी एक अच्छा टैग यहाँ पे हासिल किया है। तो जब मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया तो मेरा पहले महीने का जो पे आउट था वो था 425 रुपए का। कितना? 425। मेरी मम्मी बोल रहे यार इतना पूरा महीना मेहनत किया और साल 425 ही आया। बोला इतना ही आया। सेकंड मंथ का मेरा पे आउट था 955। फिर से घर वाले बोले यार इतना तो मेहनत कर रहा है, इससे अच्छा नौकरी कर लेता तेरे को ज्यादा इनकम आता। तो मैं बोला कुछ बोला बोला चलो उनका काम है, बोला हमारा काम है उनको करके दिखाना। और तीसरे महीने में मैं क्वालिफाई किया ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी टू करोड़ क्लब और मेरा जो पे आउट था थर्ड मंथ का वो सीधा चला गया 17,614 रुपए। फिर घर वाले थोड़े से एक सुकून मिले कि भाई चल एक अच्छा इनकम उनको आ रहा है। और चौथे महीने में मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया टू करोड़ क्लब के साथ तो 23,695 का पे आउट आया। और पांचवें महीने मैंने क्वालिफाई कर दिया गोल्ड भी टू करोड़ क्लब और जो मेरा पांचवें महीने का जो पे आउट था रिसेंटली 2 दिन पहले आया अकाउंट में बहुत अच्छा लगा, वो मेरा पे आउट था 48,390। तो जस्ट मुझे जॉब नहीं करना था और कुछ अलग बोलते हैं ना कि एक ड्रीम बहुत बड़े थे बचपन से लेके, तो कुछ अलग करना था। तो इसके लिए मैं रियली आज अरुण सर को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर पल मुझे उन्होंने गाइड किया और उनके गाइडेंस के अनुसार मैंने काम किया और इसके लिए मैं आज गोल्ड क्वालिफाई कर चुका हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट है गोल्ड भी 2 करोड़ क्लब ही रहना है और तकरीबन 75,000 का पे आउट का मेरा टारगेट है ये 6 मंथ का। और नया साल जो है जो मैंने डिसाइड किया है कि नए साल का जो जर्नी है वो मुझे 1,00,000 रुपये मंथली इनकम से मुझे स्टार्ट करना है। और मैं बस आप सभी लोगों को एक ही चीज कहूंगा कि हर बिजनेस के अंदर हमें टाइम लगता है। कोई भी चीज उस दिन मैं यहाँ पे सर पुणे में था तो देवेंद्र सिंह शर्मा सर का मैंने एक ट्रेनिंग सुना, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हर चीज के लिए ना एक टाइम लगता है। हम लोग आज सचिन तेंदुलकर को इतना आज क्रिकेट का भगवान मानते हैं उनको, राइट? तो उन्होंने आज सेंचुरी की सेंचुरी बनाई। क्या आपको पता है उनकी पहली सेंचुरी कितने मैच खेलने के बाद उनकी पहली सेंचुरी किसको पता है यहाँ पे? 10 सेंचुरीज होने के बाद सचिन इनिंग्स इनिंग्स हाँ सॉरी हाँ 110 इनिंग्स खेलने के बाद सर की फर्स्ट सेंचुरी हुई। तो तब तक वो क्रिकेट खेलते गए और आज सुबह ही सोनू शर्मा सर के एक ट्रेनिंग सर ले रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो कम से कम 10 साल वो प्रोफेशन के अंदर हमें काम करना पड़ेगा। कितने साल? 10। लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कितने साल काम करना है? 3 साल। सिर्फ 3 साल ही काम करना है। अगर मान के चलो सचिन तेंदुलकर ने 1-2 साल क्रिकेट खेलने के बाद अगर वॉलीबॉल में चले जाते, आज अमिताभ बच्चन जी आज इतने साल से आज उनको हम बोलते हैं एक्टिंग के अंदर आज वो किंग है उनका नाम है, बराबर है? तो अगर उन्होंने 3-4 साल एक्टिंग करने का तो वो सिंगिंग में चले जाते कैसा होता, वो उनका करियर कोई बिल्ड कर पाते नहीं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें मिनिमम 3 ईयर्स का गारंटी खुद को देना है, जैसे कि सर ने बोला कि पहले साल हमें सीखना है चाहे पैसा आए या ना आए लेकिन हमें सीखना तो पड़ेगा। सेकंड साल हमें लोगों को सिखाना है, तीसरे साल कमाना है और फिर जिंदगी भर के लिए क्या करना है उड़ाना है। तो टाइम लगेगा हर चीज के लिए, मुझे भी बहुत टाइम लगा लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया इस तरह से मैं यहाँ पे पहुंचा। और थैंक यू फ्रेंड्स एंड विश यू।